हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत सभी का एक और न्यू फ्रेश डेली व्लॉग में। तो आई होप यूर एब्सोल्युटली फाइन, मौज में होंगे, मौज कर रहे होंगे। तो बस अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं सुबह के, और सोचा कि अब डेली साइकिलिंग खुद ही कर लेता हूँ, चल पड़ते हैं कहीं ना कहीं, तो साइड निकल जाते हैं मलहान साइड, चल पड़ते साइकिल चलाने। तो कुछ नहीं, बस अभी 6 बजे ने निकलने वाला साइकिल चलाने के लिए, क्योंकि कर्फ्यू ख़त्म होता है 8 से 6, तो क्यों रिस्क लेना है यार, क्यों 5 बजे निकलना अगर कुछ आगे बात वगैरह हो जाए। तो सोचा कि 6 बजे निकलता हूँ, तो बस अभी निकलने की तैयारी है, बस ऐसे जाऊँ साइकिल लेके अपनी, कहीं देखते हैं कोई साथी मिल जाता आगे तो उनका चल पड़ेंगे, नहीं तो अपनी सिंगल राइड हेडफोन्स पहने हुए आराम से अपनी राइड करते जाएंगे। तो तुम्हें भी थोड़े बहुत ऐसा सीन दिखा दूँगा कहाँ कहाँ जा रहा हूँ घूमने में। तो बस अपने फ़ोन को माउंट करता हूँ और बस चलते हैं। तो घर से तो अभी काफ़ी दूर आ गया हूँ मैं, ये मेरे को व्यू सही लग रहा है क्योंकि इसमें माउंट भी लगा हुआ है फ़ोन में, और फ़ोन सेफ भी है, प्लस मैं राइडिंग भी कर सकता हूँ अपनी आराम से। तो तुम्हें दिखाता हूँ आगे का व्यू, थोड़ा काफ़ी चढ़ाई चढ़ रही है ना। खड़ा हुए वो है रेलवे लाइन, तुम्हें दिख रही होगी, तो वो टॉप में रेलवे लाइन है, ये जाता है मनाली मंडी को रास्ता। यहाँ पे देखो पहाड़ी, जंगल ही जंगल पूरा। क्या सीन ये है कि थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ मैं, ताकि मैं खड़ी कर लेती हूँ, बड़ी चढ़ाई थी, काफ़ी चढ़ के आ गया मैं ऊपर, जाना रेलवे लाइन है वो वाली, पर रास्ता पता नहीं कहाँ से है मुझे, इसका स्टेशन तो पता है पर पता नहीं रास्ता कहाँ से। पानी पी लिया अभी देखता हूँ कितनी आगे तक जाता हूँ। मास्क अच्छा हुआ पहन लिया हुआ मैंने, जेब में भूल के मैं लाना भूल गया था, जेब में ही था, अच्छा हुआ बच गया मैं, नहीं तो पुलिस वगैरह मिल जाए ना तो सीन होता है। तो इतनी निचाई है ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हें आवाज़ सुनाता हूँ कि कितनी तेज़ साइकिल हो जाती है यहाँ पे। तो चलो एक बार चलते आ जाओ। तो इसमें जगह सेकेंड टाइम आ रहा हूँ मैं, तो कोई जगह थी, मैंने सोचा चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं, अभी तो बंद है, नहीं बंद नहीं है तो ट्रेन तो बहुत लेट आती है, बट कोविड है ना तो कोई लोग भी नहीं है, थोड़े लोग हैं, चुपचाप ही आ गया मैं, तो रिस्क रहता ना यहाँ पे। तो अंगड़ाइयाँ ले रहा सारी चोरी अभी 7 बजे, अभी सो जा। तो फाइनली घर पहुंच गए, हाँ घुमा लेता हूँ उनको, हाँ टाइम हो रहा है 7:01 साइकिल चलाई, धूप पड़ गई काफ़ी तेज़, गर्मियों का ये डिसएडवांटेज है 7 बजे धूप निकलती है, सर्दियों में 7 बजे तक अंधेरा रहता है। अभी ध्यान चलो, छिच्छू आ गया है, छिच्छी आ गई आपको, इधर चिच्ची आई, चिच्ची है जी, चिच्ची आई, चिच्ची आई, चिच्ची आई, चिच्ची स्टेप कहाँ था, स्टेप कहाँ छोटा गले वाला, चिच्ची आई, चलो दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, जल्दी खोल, जल्दी खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, मैं ले जल्द, दरवाजा खोल, आ जा बाहर, अभी खुद खोलेगा इसको, बता अंदर, अभी खोलेगा जल्द, बारह बारह चल, आ स्टेप कहाँ है तेरा गले वाला। तो अभी जस्ट पानी दिया मैंने जो मम्मी ने लगाए हुए हैं, तो मम्मी ने यहाँ पे लगाई, ये मेथी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सही निकल के आई है, जो मेथी के परांठे भी खाते हैं ना, ये देखो ये पता नहीं इस साइड, क्योंकि ब्रूनो ने खोद दिया था ना यहाँ से, तो गालियाँ उसको पड़ी थी, तो इस साइड थोड़ी देखो ना ये थोड़े गिरे हुए हैं, देखो ये देखो, तो ये ब्रूनो के वैसे हुआ, बट इस साइड अच्छा, इसमें बड़ा प्यारी लगी हुई है, देखो ये लगाया मम्मी ने पुदीना और ये रही मेथी, देखो कितनी सही, मतलब बहुत जल्दी एकदम से निकल के आ गई है ये। और
और सामने अगर तुम देखोगे वहाँ पे तो कणक नहीं होती, जो कणक होती है तो लोग उसको लग पड़े उसके जो एक मतलब कह सकते हो बंडल्स लग पड़े बनाने, उसके बाद थ्रेशर की मदद से उसको वो जो कणक होती है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो इतनी धूप में देखो हम तो फिर भी मतलब अंदर रहते हैं तो कितनी मेहनती होती है। अभी बहुत आगे है वो, तुम्हें दिखा दें, कोशिश करता हूँ अगर दिख रहा होगा तो। लोग इतनी धूप में लग पड़े करने, क्योंकि टाइम आ गया ना गर्मियाँ लग पड़ी आने, आंटी और अंकल लगे अगर तुम्हें दिख रहे होंगे तो। सामने वो जो खेत है वो देखो, यहाँ पे वो देखो दो आंटी अंकल वो देखो ये लग पड़े हैं। अब इसको ये पहले इसके बंडल्स बनाएंगे, उसके बाद थ्रेशर की मदद से इसका जो कणक होती है वो निकाल लेंगे। देख लो यार इतनी धूप में भी लोग कितने मेहनती होते हैं, गाँव के लोग हमारे ना, हर जगह पौधों को पानी पूनी दिया और कुछ नहीं, बस साइकिल आज चलाया, मज़ा आया। यहाँ पे साइकिल अपनी खड़ी की है। और यार बड़े दिनों से अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि पता नहीं क्या है यार, मोर देन कह सकते हो तुम 10-11 व्लॉग्स में पता नहीं कॉपीराइट क्लेम कैसे आ गया हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बट उन्होंने लिखा कि इट विल नॉट अफेक्ट दी, उसको मैं खोल देता हूँ, तो उन्होंने लिखा इट विल नॉट अफेक्ट माई यूट्यूब चैनल। मैं भाई डर गया क्योंकि कभी मेरी ज़िंदगी में मेरे यूट्यूब चैनल में ऐसा नहीं हुआ भाई। मैं कल ऐसे स्क्रॉल कर रहा और 10-11 व्लॉग जो साइकिल के रिलेटेड अपलोड किए उसमें लिखा हुआ कॉपीराइट क्लेम। मैं बोला ये क्या हो गया, पता नहीं क्यों उसमें गाने भी ऐड नहीं किए, थोड़े बहुत मैं जान सकता हूँ गाने मैंने ऐड किए थे बट जो साइकिल के वीडियो होते उसमें नहीं किए थे मैंने। अब पता नहीं चला, कोई बात नहीं, नेवर दिलेस, हम अपनी मेहनत करते रहेंगे। और कुछ नहीं बस आज सिंपल दिन सिंपल डे। मैं बोला बहुत दिन हो गए तो व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहे, ऊपर से यार कोविड की जो वैक्सीन है उसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगी 18+, आई एम नॉट 18+ राइट नाउ। और अभी तो मैं नहीं, मम्मी से पूछेंगे, मम्मी भी नहीं लगाएंगे क्योंकि मम्मी के पास एक वैलिड रीज़न है, मम्मी का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, सिस्टर्स वगैरह शायद लगवा सकती है, उनका पता भाई, क्योंकि एक कंपलसरी एक मैंडेटरी हो गया 18+ को लगाने के लिए। आई एम लाइक फीलिंग वेरी प्राउड क्योंकि मक्खी ओ भाई मधुमक्खी कहाँ, अरे ये कहाँ से आ गई, हट एकदम से ही आ गई। तो क्यों, क्योंकि फाइनली 2 साल कंप्लीट हो गया मेरे NCC के। तो कल मैसेज आया था, तुम्हें दिखाया तो साइड लेफ्ट राइट में, तो सर ने बोला कि कंग्रेचुलेशन यू हैव कंप्लीटेड 2 ईयर्स फाइनली। तो हम सेकंड बैच के हो गए हैं, अब हो गए गए, अब ख़त्म ही हो गया NCC यार, बट रियली मिसिंग। सर बोलते कि तुम्हें नई नई चीज़ें मिलती सीखने के लिए बट बैड लक तुम्हें नहीं मिली यार। मेरे को बहुत मन था गन गुन चलाने का जो असली में होती है, AK-47 वगैरह, इंसास वगैरह, वहाँ पूरी ट्रेनिंग बताते हैं कैसे देते हैं, गेम्स वगैरह बहुत कैंप में जो होती है, बट बैड लक नहीं हुआ। बट फाइनली कोई बात नहीं, हमने 2 साल कंप्लीट कर दिया हमारे अपने NCC में। चलो भाई ये भी ठीक है, अब नवंबर में मिलेगा हमें सर्टिफिकेट, मेरा जो ए सर्टिफिकेट होगा वो आएगा नवंबर में। कितना लेट आएगा यार देखा जाए तो, अभी बस मैच लगने ही वाला है। मैंने सोचा कि चलो तुम्हें बता देता हूँ, और बड़ा मैंने बताया अपनी फैमिली को, वो बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि एक प्राउड मोमेंट होता है ना, 2 साल कंप्लीट हो गए NCC के फाइनली, अपने छोटी पुलिस बस लगने वाला है। देखो रोहित शर्मा और क्या नाम है इनका, संजू सैमसोंग। तो बस छन्नू की थोड़ी तबीयत ख़राब सी है ना, क्या हुआ उस कल वेनर्सडे था तो कल चिकन वगैरह बना था घर पे, तो थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया था इसने, तो उसका थोड़ा पेट में दर्द है, बट कोई बात नहीं वो ठीक हो जाएगा। अभी कुछ नहीं खा रहा, सिंपल दही खिलाया उसको। किसी को भी ऐसी दिक्कत होती है वॉमिट वगैरह होता है ना तो इनको दही खिलाया करो, बिल्कुल ठंडा होता है वो, ठंडा दही खिलाया करो। और बाकी तो ये घास खा के ठीक कर लेते हैं अपने आप को, अगर कंडीशन बहुत वर्स हो जाए फिर इनको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। लल्ला लल्ला लोरी छन्नू की कटोरी, छन्नू बड़ा बदमाश है, देखो हाथ कैसे रोक रहा है, देखो कीमत मार मेरे को, कितना चला के देखो हाथ, देखो छन्नू। तो अभी कुछ नहीं, शाम के 5 बज रहे हैं और अभी थोड़ी मौसम ख़राब था, फिर धूप निकला है, हमने सोचा बारिश होगी थोड़ी शांति मिलेगी, देखो अब फिर से साफ हो गया। लल्ला लल्ला लो री छन्नू छन्नू छन, ये ले तुलसी सुन लेगा छन्नू, ये देख बड़ा वही शेर है। मैं बहुत गर्मी लग रही यार इसके, उसके बाल भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, काट काट देने बाल साइड साइड से इसके यहाँ से। क्या मौसम हो गया भाई, बारिश वाला, अभी देखना लाइटनिंग कैसे हो रही है, अभी देखना, अच्छा होगी देखना अभी, 3-2-1 हो जा, 3-2-1 हो जा, ओई ओ देखो देखो ओई, तगड़ा मौसम हो गया है। आज मम्मी गाना गाने वाले हैं और मैं प्ले करूँगा बोंगो सेट, तो बड़े दिन हो गए थे, मैं बोला मम्मी आप गाना गाते हैं, जोर से गाओ थोड़ा।
हो साचे दरबार की जय, महादेव की जय, जय शेरावाली, बहुत साचे दरबार की जय माता। तो अभी जस्ट डिनर करके मैं आया और टाइम अभी हो रहा है 10 बजने वाले हैं। आईपीएल आज देखने का मन नहीं कर रहा, देखने का मन कर रहा है कि सीधा ही सो जाऊं बेड में अब बस। तो चलो यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। यार कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, घर में रहो, सेफ रहो, क्योंकि बहुत तुम्हें पता है, तुम हालात देख सकते हो भाई इंडिया के क्या हो रहे हैं, क्या रैंक थी अब क्या एकदम से हो गया है। तो तुम्हारे सामने है सब कुछ, प्रैक्टिकल तुम्हारे प्रैक्टिकली हो रहा है। और बस यहीं पे करते हैं व्लॉग को एंड। अब साइकिल चलाना भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, पापा गुस्सा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पापा बोल रहे हैं खबरदार तू बाहर गया साइकिल लेके, पापा भी सही है अपनी जगह पे। तो चलो यहीं पे करते हैं व्लॉग को एंड, मिलता हूँ सुबह एक और न्यू फ्रेश डेली व्लॉग में। आई होप यू एंजॉय टुडेज व्लॉग। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक देखते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय गाइस। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, टाटा बाय बाय। बर्ड मशीन चेक।